नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 1 pot meal स्पाइसी चिकन दाल एंड राइस। तो जो है बहुत ही टेस्टी जो है बनता है। आपको किस इसमें जो है हर प्रकार का स्वाद मिल जाएगा, पुलाव का भी और बिरयानी का भी स्वाद मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस और बोन दोनों मिलाकर 500 ग्राम जो है इस तरह से मैंने पीसेस काट ली हूँ ये चिकन के, और 100 ग्राम मूंग दाल, इसकी जगह आप चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो ली हूँ और उसके बाद मैं इसका पानी निकाल कर छान कर इसे अलग रख ली हूँ। और साथ ही 400 ग्राम बासमती चावल, आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया गेट 2 बार जो है यूज़ कर रही हूँ। और इसके तड़के के लिए हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 छबीला जिसे स्टोन फ्लावर भी बोलते हैं, और बड़ी इलायची 3, 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का, 2 कर्णफूल और 3 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता, 10 से 15 काली मिर्च और 2 साबुत सूखा लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जो है वो यूज़ करेंगे। साथ ही जो है यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून 4 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ली हूँ। इसमें मैंने 1 मीडियम साइज प्याज और 2 बड़ा चम्मच लहसुन की कली और 2 इंच अदरक, इन सबको मिलाकर जो है मैंने पेस्ट बनाई हूँ वो जो वो 4 टेबल स्पून है। और साथ ही 4 टेबल स्पून 4 बड़े चम्मच दही, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और सूखे मसाले में हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, और 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, और 1 बड़ा चम्मच पुलाव मसाला। आप कोई सा भी पुलाव मसाला यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपके पास पुलाव मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम अपनी 1 pot meal रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक जो है बड़ा सा कढ़ाई जिसका मोटा बेस है उसको रख दी हूँ और गैस ऑन करके इसको गर्म कर ली हूँ। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही जो है जैसे ये गर्म हो चुकेगा इसमें अभी गैस का जो है फ्लेम्स धीमा कर देती हूँ, देखती हूँ इसमें। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें सारे जो है खड़े मसाले जो है गर्म मसाले उसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद जो है मैं गैस का जो है फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। इसको हम थोड़ी देर जो है हल्का जो है फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जो है ये बहुत ही टेस्टी जो है मील बनता है। इसमें आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, आप रायता के साथ इसे आसानी से खा सकते हो, और ये कंप्लीट मील है। अब सबसे और इसमें मैं ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, और पेस्ट डालने के बाद जो है इसे अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा फिर उसके बाद जो है हम जो है आगे के की स्टेप की ओर बढ़ें। मसाला जो है एकदम गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई हो गया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो है इसमें हम चिकन को डाल देंगे। सारे पहले हम डालेंगे सूखे मसाले, और गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे। मैंने हल्दी पाउडर डाल दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ ही जो है यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, और हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और साथ ही जो है मैं 1 बड़ा चम्मच पुलाव मसाला डाल दूंगी, क्योंकि हम स्पाइसी जो है बना रहे हैं। अब इसमें हम दही डाल देंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर लेंगे,
और सारे चिकन पीसेस को जो है मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए सारा चिकन पीस इसके अंदर डल गया है। अब जो है इसे मैं अच्छी मीडियम फ्लेम में लगातार बीच बीच में चम्मच चलाते हुए जो है इसे मैं करीब जो है 7 से 10 मिनट तक जो है पकाऊंगी, क्योंकि मीडियम फ्लेम में पकाने से ये जो है पीसेस बहुत छोटे छोटे हैं, 7 से 10 मिनट में ये आसानी से जो है पक जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे। तो इसको जो है मैं मीडियम फ्लेम में ढक्कन ढाक दी हूँ और मीडियम फ्लेम में 7 से 10 मिनट तक कुक करूंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप। अब 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम ढक्कन खोल कर देखते हैं कि चिकन टेंडर हो चुका है कि नहीं। ये देखिए मैंने बीच में चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका ली हूँ, ये चिकन जो है टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैं राइस डाल दूंगी जो मैंने पहले से धो कर रखी हूँ, इसको भिगा कर नहीं रखी हूँ, सिर्फ धो कर ही रखी हूँ। और गैस का फ्लेम जो है थोड़ा अभी मैं बढ़ा देती हूँ, हाई कर देती हूँ। अब हम इसमें इसे डालकर अच्छी तरह से कुछ सेकेंड्स तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार जो है बनता है जो है, आप इसे अवश्य बनाकर अपने घरों में जो है ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब जो है इसमें मैं दाल भी डाल देती हूँ और इसे भी डालकर जो है हम, तो टोटल जो है मैंने सारी चीज़ें जो है दाल और चावल मिलाकर जो है 500 ग्राम जो है मैंने डाली हूँ। और इसमें हम पानी जो है डालेंगे जो है इसका जस्ट नाप से डबल जितना हमने लिए हैं। 500 ग्राम जो है हमने चावल और दाल लिए हैं तो उसका डबल जो है हम पानी डालेंगे, 1000 ml पानी इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ओपन पॉट में हम बना रहे हैं। यदि आप कुकर में बनाएंगे तो इसमें पानी जो है की मात्रा कम रहती है। ये देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और कुछ सेकंड तक इसी तरह से चलाते हुए जो है हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गैस का फ्लेम जो है अभी मैंने थोड़ा हाई में रखी हुई है, फ्लेम को हाई में, तो थोड़ी देर जो है हम इसको पकने देते हैं, इसी फ्राई होने देते हैं। और ये मैंने पानी जो है पूरा जो है 1000 ml जो है पानी इसमें जो है नाप कर रखी हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है लेकिन कच्चा भी पूरा जो है नहीं डालना है। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल दूंगी, इससे जो है हमारा जो है चावल और जो है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दी हूँ, इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब जो है इसमें हम 1000 ml पानी डाल देंगे जो मैंने पहले से ही नाप कर रखी थी। नाप में चावल और दाल मिलाकर 2 ग्लास था और उसमें मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है, इसमें आपको किसी भी दाल चावल सब्जी किसी की भी आवश्यकता नहीं, और इसमें हाई प्रोटीन जो है होता है। इस ड्यूरेशन जो है आप नमक चेक कर सकते हैं। इसमें हम जो है एक उबाल आने देंगे और जैसे ही एक उबाल आएगा, जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा फिर उसके बाद जो है हम जो है इसका फ्लेम जो है सिम में कर देंगे और धीमी आंच में जो है इसको जो है पकने देंगे। करीब जो है 10 से 12 मिनट हम धीमी आंच में पकने देंगे। तो देखते हैं जैसे ही उबाल आता है देखते हैं इसको कैसे हम आगे जो है स्टेप में बढ़ेंगे। जैसे उबाल आएगा मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा, बहुत अच्छी तरह से उबाल आने लगा। ये देखिए इसे मैं अच्छी तरह से चम्मच मिला लेती हूँ। इस ड्यूरेशन आप चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं।
अच्छे से हम इसको मिला देंगे। अब मैं गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर लूंगी और मीडियम कर में करके जो है इसे जो है मैं 10 से 15 मिनट तक जो है पकाऊंगी, और जब पक जाएगा तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, अब 10 मिनट हो चुका है, हम देखते हैं खोलकर कि हमारा वन पॉट मील बनकर रेडी है कि नहीं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये जो है पक गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ सारा जो है चीज जो है एकदम अलग अलग हो गया है। अब जो है इसको जो है लास्ट में जो है हम थोड़ा सा जो है इसको गार्निश कर देते हैं, हरी मिर्च। जैसे ये जो बहुत ही अच्छा जो है इसका एक तो फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, और साथ ही जो है इसमें को जो है हम धनिया पत्ती से भी गार्निश कर देते हैं। और जो है मैं गैस बंद कर देती हूँ, और इसे थोड़ी देर के लिए जो है हम दम में रख देंगे। ये देखिए, ये जो है एकदम रेडी है खाने के लिए जो है। इसे आप जो है रायता के साथ, सलाद के साथ, पापड़ के साथ सर्व कीजिए। ये कंप्लीट मील है, ये हमारा जो है वन पॉट मील बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मनपसंद चीजें परचेस कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।